जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है एसएससी जीडी की जो फर्स्ट चॉइस है वो कितने नंबर पर आपको कौन सी चॉइस मिलेगी इसके बारे में, क्योंकि मेरे को बार बार मैसेज करते हैं दोस्त, या आपके भी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत खास ज़रूरी है क्योंकि आपको कितने नंबर पर कौन सी फर्स्ट चॉइस मिल सकती है इसके बारे में ज़्यादातर जो वीडियो बनते हैं कि फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, लेकिन वो मिलेगी कब ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। आपके कितने नंबर हो तब आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी मिल सकती है, या कम से कम आपको कौन से नंबरों पर किस प्रकार से फर्स्ट चॉइस मिलती है, तो मैं आपको इसमें पूरा बताने वाला हूँ कि फर्स्ट चॉइस किस प्रकार से मिलती है, उसका रूल क्या होता है, एसएससी जीडी में किस आधार पर फर्स्ट चॉइस मिलती है, उसमें मतलब क्या चीज़ सबसे पहले मायने रखती है, और उसके बाद में फर्स्ट चॉइस कितने नंबर पर आपको कौन सी फर्स्ट चॉइस मिलेगी इनमें से। दोस्तों आप सभी को पता है इसमें 8 वैकेंसी होती है, 8 प्रकार की होती है, जैसे NIE, SSF, CISF, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल और SSB। ये टोटल 8 इसमें 8 प्रकार की टाइप से वैकेंसी होती है, इनमें से कितने नंबर आपको लाने ताकि आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ कि इनमें से जो फर्स्ट चॉइस आप चूज़ करते हो सबसे पहले डिपेंड करती है कि उसकी सीटें कितनी हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे अगर कहीं आंकड़ा, जैसे अगर मान लो SSF या NIE की सीटें सबसे कम रहती है, तो ये आप सभी को पता है उसके लिए नंबर भी सबसे ज़्यादा रहेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले को वो मिलेगी। लेकिन इनके अलावा बाकी जो फोर्सेस हैं इनमें जो आंकड़ा रहता है कहीं का 15,000, कहीं का 8,000, कहीं का 10,000, कहीं का 15,000, इस प्रकार से कहीं का 5,000 वैकेंसियाँ रहती है। तो इन वैकेंसियों में आपका जो सबसे पहले डिपेंड करता है फर्स्ट चॉइस, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके नंबर और दूसरा आपकी चॉइस। अगर मान लो आपके नंबर 90 आए हैं और आपकी फर्स्ट चॉइस अगर BSF है तो आपको BSF इजीली मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके नंबर 90 आए और आपकी फर्स्ट चॉइस NIE, और जबकि NIE की मेरिट मान लो सीटें कम है, तो फिर आपको 90 पे मिले या ना मिले ये गारंटी रहेंगी। तो इसका क्या बेसिक फंडा होता है वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं या मेरे को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नई नई विशेष जानकारियाँ आपको मिलती रहे फोर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इसका बेसिक जो फंडा होता है, एक और ख़ास बात, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े दोस्तों तो लिंक के नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसियों की विज्ञप्तियाँ मैं उधर सेंड कर सकूँ, नोटिफिकेशन सेंड कर सकूँ, जो ऑफलाइन फॉरम होते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी उधर मैं सेंड कर सकूँ, PDF सेंड कर सकूँ ताकि आपके काम में आ सके। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इसका जो बेसिक फंडा होता है, सबसे पहले देखो आप सभी को पता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा NIE और SSF को दी जाती है, सभी बंदे ज़्यादातर लोग हैं फर्स्ट चॉइस में यही बढ़ते हैं NIE और SSF। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अच्छी जॉब है, तो अच्छी जॉब है तो इनकी पोस्टें क्या है, छोटी पोस्ट, इनकी पोस्टें होती है कम, इनकी मेरिट रहती है हाई। तो अगर आपको NIE और SSF में जाना है तो आपका टारगेट 90 होना चाहिए, यानी कम से कम आपके 90 नंबर आने चाहिए तब आपको ये दोनों फोर्स मिल सकती है। क्यों? अगर आपकी फर्स्ट चॉइस NIE और आपका 90 नंबर है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल सकती है। दोस्तों 90 से नीचे आप उसकी उम्मीद ना करें, लेकिन अगर आप SC ST में या OBC में हो तो आप 88 या 85 प्लस आपके नंबर होने ही चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू पिछले पेपर अगर नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं रहती है तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, चाहे आप कोई सी कैटेगरी में हो, भले नॉर्मलाइजेशन के बाद हो, ठीक है। उसके बाद में जितने भी ये फोर्सेज बची है, अब इनमें रूल क्या होता है दोस्तों, आपकी फर्स्ट चॉइस अगर मान लो CISF है और आपके नंबर आए मान लो 80 और CISF की मान लो मेरिट रही है 83, अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है तो उसके बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकंड चॉइस ही मिले या आपको थर्ड चॉइस मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद में जिन लोगों की आपके जैसे सेकंड चॉइस BSF है और कई लोगों की फर्स्ट चॉइस BSF है, तो सबसे पहले जिनकी फर्स्ट चॉइस BSF है उनको BSF दी जाएगी, ना कि आपको, समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर मान लो CISF की 83 रही है, आपके 80 नंबर है और अब सेकेंड चॉइस आपकी BSF है, आपके है 78 नंबर, दूसरा बंदा 78 वाला और है और उसकी फर्स्ट चॉइस BSF है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी BSF में, ना कि आपको। सेम ही नंबर होने पर मतलब मेरे भी 80 नंबर है, आपके भी 80 नंबर है और मेरी फर्स्ट चॉइस BSF है, आपकी सेकेंड चॉइस BSF है, तो आपको नहीं मेरे को BSF मिलेगी। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे भी ऐसा होगा, थर्ड पे आपकी थर्ड चॉइस जो है वो अगर किसी बंदे की फर्स्ट चॉइस है और सेकंड चॉइस है, तो जिसकी सेकंड चॉइस है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी आपके बजाय। तो इस प्रकार से होता क्या है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिलके कई बार लास्ट चॉइस मिल जाती है, अगर आपके नंबर बराबर नहीं होते। फिर मेरे को मैसेज भी करते हैं, आप सभी को पता है कि सर BSF की मेरिट तो 83 गई थी, सॉरी 80 गई थी, मेरे भी 80 नंबर है, लेकिन मेरे को असम राइफल क्यों मिली? उसका रीज़न ये है कि जिस बंदे के 80 थे आपके नंबर बराबर, उनकी फर्स्ट चॉइस BSF थी, तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ये इसका रूल है। तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, उनको BSF दी जाएगी और आपको
कोई सी भी मिल सकती है, और आपकी जैसे जैसे चॉइस कम होती है, जैसे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, तो उनके चांसेस कम होते हैं, और फिर लास्ट में जिस वैकेंसी में जगह कम होती है, जिसमें पोस्टें खाली रहती है, तो वो आपको चॉइस दे दी जाती है, इस प्रकार से दी जाती है। तो अगर आपको अपनी चॉइस लेनी है तो आपको 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इस बार के SSC GD 2021 में दोस्तों, और इस प्रकार से चॉइस पोस्टिंग मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखना ताकि आगे आपको परेशानी नहीं हो। इसलिए फर्स्ट चॉइस चुनते समय विशेष ध्यान रखें कि आपको इनमें से कौन सी फोर्स में जाना है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस पर आपका बनता पहला हक, उसके बाद में फिर आपको कोई सी भी मिल सकती है बची पाँचों में से, NISSF को छोड़कर। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो सोच समझ के बताइए। मैंने वीडियो भी बना रखे हैं इसके बारे में, जैसे मेरा दूसरा चैनल कमांडो अकेडमी, उस पर जाकर देख सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग वीडियो बना रखें, उनको देख के आप भले ही फॉर्म भर देना, फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।